दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूर्यकांत और मैं आप सभी का भारत एग्री के हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल के बारे में और मैं आपको बताने वाला हूं कि सोयाबीन की फसल में हम कौन से टॉप खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन खरपतवार नाशक के नाम, उनका कंटेंट और उनकी उपयोग की मात्रा और तरीके के बारे में बताने वाला हूं। इसलिए अगर आप सोयाबीन की फसल लेते हो, अगर आप सोयाबीन उत्पादक किसान हो, तो खासकर आपके लिए ये वाला वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे आपसे एक राय है कि वीडियो अंत तक देखें और वीडियो के आखिर में अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आता है अदामा कंपनी का शाकित खरपतवार नाशी। इसमें हमें दो अलग अलग सामग्री मिलती है, जैसे कि प्रोपेक्विजोफॉप 2.5% मिलता है और इसी के साथ हमें इसमें इमाजाता पायर 3.75% मिलता है ME फॉर्मुलेशन में। इसकी उपयोग की मात्रा अगर हम देखें खासकर सोयाबीन की फसल में तो 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से होती है। बात करते हैं दूसरे खरपतवार नाशी की, जिसका नाम है BSF कंपनी का ODC खरपतवार नाशी। इसमें भी हमें दो अलग अलग सामग्री मिलती है, जैसे कि इमिजता पायर 35% और साथ में इमाज मॉक्स लगभग 35% WG फॉर्मुलेशन में। इसकी उपयोग की मात्रा देखें तो दोस्तों 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से है और लगभग 150 से 200 लीटर पानी के साथ। तीसरे नंबर पे आता है स्वाल कंपनी का पटेला खरपतवार नाशी। इसमें भी हमें दो अलग अलग सामग्री मिलती है, सामग्री जैसे कि सोडियम एसेफ्लोरेफेन 16.5% और साथ ही क्लोरीनफॉप प्रोपर गाइल 8% EC फॉर्मुलेशन में। इसकी उपयोग की मात्रा है 400 ml एक एकड़ के लिए। चौथे नंबर पे आता है सिंजेंटा कंपनी का फ्लूजी फ्लेक्स खरपतवार नाशी। इसमें हमें फ्लूजीफॉप पी ब्यूटाइल 13.4%, साथ ही फोमेसेफेन 11.1% EC फॉर्मुलेशन में मिलता है। दोस्तों इसकी उपयोग की मात्रा अगर देखें तो 400 ml एक एकड़ के लिए है। और अब बात करते हैं आखिरी यानी पांचवें नंबर की खरपतवार नाशी की, जिसका नाम है धानुका कंपनी का मैक्स सोय खरपतवार नाशी। इसमें हमें क्विजोलफॉप इथाइल 10% EC फॉर्मुलेशन मिलता है और साथ ही क्लोरीमिरोन इथाइल 25% WP फॉर्मुलेशन में मिलता है। दोस्तों इसकी जो उपयोग की मात्रा है वो है 150 ml एक एकड़ की फसल के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको पांच अलग अलग प्रकार के खरपतवार नाशक के नाम बताए हैं, जिसका उपयोग आप सोयाबीन की फसल में बुआई के बाद लगभग 20 से 30 दिनों तक कर सकते हो, जब आपकी सोयाबीन की फसल 2 से 3 पत्तों के ऊपर हो, उसके बाद आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी चीज, पांच में से कोई भी एक खरपतवार नाशक का आपको इस्तेमाल करना है एक एकड़ के हिसाब से। आपको कभी भी एक के बाद दूसरा तीसरा खरपतवार नाशक अपनी फसल में इस्तेमाल नहीं करना है। खरीफ का मौसम शुरू है यानी बारिश की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मेरी आपसे एक विनती है कि मौसम का अनुमान लगाकर ही आपको खरपतवार नाशक का छिड़काव करना है। हमेशा यानी 100% आपको खरपतवार नाशक के साथ चिपकू का इस्तेमाल करना है। चिपकू के लिए आप IFC यानी इंडियन फार्मर कंपनी का IFC सुपर स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, ये थी सोयाबीन की फसल के लिए मार्केट के टॉप 5 खरपतवार नाशक की जानकारी। जाते जाते मैं आपको इन खरपतवार नाशक के छिड़काव के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स भी दे जाता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज, हमें मौसम का अनुमान लगाना है। अगर बहुत ही ज्यादा क्लाउडी वेदर है यानी बादल छाए हुए हैं, बारिश की संभावना है, तब हमें छिड़काव नहीं लेना है। छिड़काव हमेशा खुले आसमान में ले यानी खुले क्लाइमेट में लेना चाहिए। छिड़काव के बाद कम से कम 3 से 4 घंटों तक बारिश ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। हमेशा छिड़काव करते वक्त, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको चिपकू का इस्तेमाल अवश्य करना है यानी स्टिकर का इस्तेमाल करना है। ध्यान रखें, कभी भी खरपतवार नाशी के साथ कोई और दूसरी दवा मिलाने की कोशिश ना करें। खरपतवार नाशी और सिर्फ चिपकू का हमें घोल बनाकर अपनी फसल के ऊपर यानी अपने खेत में एक एकड़ के लिए छिड़काव करना है। छिड़काव करते वक्त हमेशा हाथ में ग्लोव्स और मुंह पर मास्क लगाना जरूरी है। अगर संभव हो तो आपको गॉगल्स भी लगाने हैं। जब आप खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हो तब आपको किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करना है, खासकर तंबाकू नहीं खानी है। कड़ी धूप में छिड़काव करना हमें थोड़ा सा टालना है और छिड़काव करते वक्त जमीन में पानी की हल्की सी नमी हो, इसका भी हमें ध्यान देना है। और सबसे जरूरी बात, छिड़काव करने के बाद अच्छी तरह से साबुन से हाथ पैर धोने हैं और जो भी पंप आपने छिड़काव के लिए इस्तेमाल किया है उसको भी धोकर रख देना है, क्योंकि कई बार क्या किसान क्या करते हैं, वही पंप फिर अगली फसल के लिए छिड़काव के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत चांसेस होते हैं कि वो फसल मर जाती है या फिर पीली पड़ जाती है।
चलिए जानकारी, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये खरपतवार नाशी आपको भारत एग्री ऐप से घर बैठे अभी खरीदने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाला है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आज ही घर बैठे मंगाइए भारत एग्री ऐप से सोयाबीन की फसल के लिए लगने वाले आवश्यक खरपतवार नाशी। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।